गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को एक ऐसे वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ से आप कभी भी दुनिया में, जब से दुनिया स्टार्टिंग हुआ है तब से लेकर आज तक हमारे पूरे अर्थ पर क्या क्या चेंजिंग हुआ है उसके बारे में आप उसे बिल्कुल डिटेल रूप से जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं उस वेबसाइट के बारे में जिसे देखकर आप कहेंगे वाह क्या बात है, मज़ा आ गया। देखिए, आपको सबसे पहले ये गूगल में आपको टाइप करना है एंशिएंट, एंशिएंट अर्थ, EARTH अर्थ ग्लो, GLOW। जैसे ही आप इसको आप टाइप कर देंगे उसके बाद आपको इंटर बटन दबा देना है, यानी कि वो सर्च लेगा। जैसे ही आप सर्च होगा आपको इस प्रकार से एक पेज खुल जाएगा जिस पेज में आपको सबसे पहला वाला पेज पे आपको क्लिक कर देना है, यानी एंशिएंट अर्थ ग्लो पे आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे माय डियर तो इस प्रकार से एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको ये पृथ्वी चलती हुई दिखाई देगी। ये पृथ्वी आपको जो घूम रही है दिखा रहा है हमारा 600 मिलियन ईयर्स अगो का। आप इसको थोड़ा सा और अप कर लेना ताकि आपको बिल्कुल बड़ा से बड़ा दिखाई देने लगे। आप चाहो तो आप इसको राउंड राउंड घुमा के आप देख सकते हो कि उस समय क्या थी हमारी पृथ्वी का हालात। तो ये देखो आप जितने भी पृथ्वी के ये हैं सॉलिड पार्ट ये सारे एक जगह ही हैं, और ये देखिए आपका रोटेट कर रहा है। आप यहाँ से स्टॉप करके इसको स्टॉप भी कर सकते हो, देख सकते हो। तो ये देखिए माय डियर, ये 600 मिलियन ईयर्स अगो का है। अगर आप और कुछ नज़दीक आइएगा तो देखिए 500 मिलियन ईयर्स अगो में कैसी थी हमारी पृथ्वी, तो आपको ऐसा दिखाई देगा, पूरी इस प्रकार से पृथ्वी दिखाई देगी। अगर और नज़दीक आना चाहेंगे तो देखिए माय डियर, अगर आप 340 में आइएगा तो 340 में देखिए आपको बिल्कुल हरा हरा दिखाई दे रहा है, यानी कि पृथ्वी का बनना, यानी जो अभी जैसा हमारा अभी का मैप है आपको हल्का हल्का सा लाइट दिखाई दे रहा होगा जो कि अभी के मैप से बिल्कुल मिलता जुलता है। बट इसमें कहीं पे भी अब आपको इंडिया दिखाई नहीं देगा। अगर आप और भी यहाँ से टाइम अगर चेंज करना चाहते हैं तो टाइम चेंज कर लीजिए, जैसे 340 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर देखिए 200 पर क्लिक कर दिए। तो 200 में आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका डिटेल भी यहाँ पे आपको लिखेगा, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं कि उसमें क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। इसको रोटेट करके आप ये पूरा चेक कर सकते हैं, आपको यहाँ से पूरा डिटेल पता चल जाएगा। अगर 200 से और नज़दीक आना चाहेंगे जैसे अभी का देखना चाहिएगा तो देखिए 0 पे क्लिक करती है, यानी अभी का प्रेजेंट ये हमारा दिखाने लगा। अब प्रेजेंट में देखिए इंडिया यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये वाला पार्ट जो है वो इंडिया का है। अगर इसे थोड़ा सा पहले जाना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पे आप 20 मिलियन ईयर अगो का देख सकते हैं। तो 20 मिलियन ईयर अगो में हमारा इंडिया कैसा दिखता था, तो देखिए ऐसा दिख रहा है। अगर इससे पहले जाइएगा तो 90 मिलियन अगो में देखिए आपको इंडिया कहीं ढूंढना पड़ेगा, तो आपको बिल्कुल यहाँ पे दिखाई ही नहीं देगा। बट ये सारे कैसे कैसे टूटे होंगे, जो हमारा अलग अलग जो बना है कंटिनेंट बने हैं, महाद्वीप बने हैं, कैसे कैसे बने हैं, आप यहाँ से बिल्कुल आसानी से सारा डिटेल पा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जंप टू में आप यहाँ पे जाकर आप डायरेक्ट जा सकते हैं कि कौन सा चीज़ आपको देखना है। जैसे अगर इस अर्थ पे फर्स्ट मल्टी सेलुलर लाइफ देखना हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही क्लिक कर लीजिएगा तो ये देखिए ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है ये अर्थ पे सबसे पहला वाला मल्टी सेलुलर लाइफ आपको शो करने लगा। अगर आप यहाँ से और देखना चाहिएगा जैसे कि अगर डायनासोर्स के बारे में देखना है, डायनासोर्स के टाइम पे कैसी थी पृथ्वी में, तो इस पर क्लिक कर लो आप, ये आपको डायनासोर्स का दिखाने लगा। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो मास एक्सटिंक्शंस अकर्स, यहाँ पे देखिए लीडिंग टू द एक्सटिंक्शंस एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स मैनी मैरिन रेप्टाइल्स ऑल फ्लाइंग रेप्टाइल्स। आप यहाँ पे डिटेल पढ़ के इसके बारे में आप जान भी सकते हैं। अगर और यहाँ से हम देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ग्रास कब आया था, तो फर्स्ट ग्रास में देखिए 35 मिलियन अगो में। अगर यहाँ पे फर्स्ट मल्टी सेलुलर लाइफ की चर्चा करेंगे तो ये 600 मिलियन में। आप इसको ऐसे आप करके देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए लाइफ इज इवॉल्विंग इन द सी, मतलब इस समय जीवन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था समुद्र में, एंड मल्टी सेलुलर लाइफ इज जस्ट बिगनिंग टू इमर्ज, यानी मल्टी सेलुलर लाइफ जो था वो आना स्टार्ट हो गया था। तो इस प्रकार से आप यहाँ से आप देख सकते हैं फर्स्ट लैंड प्लांट्स कब हुआ था, तो 430 मिलियन ईयर्स अगो में। इसके बाद देखिए अगर फर्स्ट प्रीमेट्स की बात करेंगे, फर्स्ट फ्लावर्स की बात करेंगे, फर्स्ट डायनासोर्स कब आए थे, तो फर्स्ट डायनासोर्स देखिए 220 मिलियन अगो में। इस प्रकार से माय डियर ये जो वेबसाइट है आपके लिए, खासकर स्टूडेंट्स के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों या
अगर भी ऐसे भी आपको अगर अर्थ के बारे में जानने का शौकीन है, जानना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट आपको बहुत ही फायदा करने वाला है। आई होप आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी आने वाले टाइम पे जो भी वीडियो दिया जाए तो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू माय डियर, आज तक के लिए आप सभी को इसके लिए धन्यवाद। देखने के लिए, पूरी वीडियो को दिल से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुँच सके। धन्यवाद।